चौरी चौरा विधानसभा की विधायक संगीता यादव को भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा का राष्ट्रीय मंत्री तथा अमिता गुप्ता को महिला मोर्चा का क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर बेनीगंज स्थित पार्टी कार्यालय पर स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला आयोग की प्रदेश उपाध्यक्ष अनु चौधरी, सदस्य निर्मला द्विवेदी सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने अपने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माल्यार्पण और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महिला मोर्चा की मीडिया प्रभारी रानी मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष अमिता गुप्ता, राष्ट्रीय मंत्री व विधायक संगीता यादव तथा महिला आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कहा। ये आज का कार्यक्रम जो है सम्मान समारोह पर है, जो हमारी महिलाएं महानगर से क्षेत्र में गई हैं और क्षेत्र से राष्ट्रीय स्तर तक गई हैं। माननीय विधायक चौरा चौरी विधायक और वो गई हैं राष्ट्रीय मंत्री बनी, उसी उपलक्ष में महिला मोर्चा महानगर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम किया गया है। मैं मीडिया प्रभारी हूँ और बहुत खुशी उल्लास का आज दिन है। हम लोग एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, अच्छा कार्यक्रम किए और हमेशा ऐसे महिला मोर्चा का कार्यक्रम होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि हमेशा महिलाओं का सम्मान और मान मर्यादा बढ़ाती है, इसलिए महिलाओं में स्वयं पर निर्भर होने का एक अलग ही गौरव है और अलग ही इच्छा है। इतनी बारिश हो रही है फिर भी आप देख सकते हैं कि सारी महिलाएं भीगती हुई आई हैं, इसलिए आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और बहुत उत्साह रहा। मेरे नेतृत्व में जो भी कार्यक्रम होगा, इससे बड़ा भी कार्यक्रम हम लोग इससे आगे निर्वाह बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ। मुझे बहुत गर्व होता है कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली मीडिया प्रभारी का और उस पद का मैं अच्छे से निर्वाह कर रही हूँ और मैं आगे करती रहूँगी। आगे पार्टी जो संगठन निर्देश देगा वो किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस मंच के माध्यम से कि हमारा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण भी हमारे में आधी आबादी को महत्व दिया जाता है और हमारी बहनें बहुत सक्रिय होकर हम लोग बूथ लेवल तक काम कर रहे हैं, हम लोग बूथ तक गठन किए हैं। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि बूथ मंडल सेक्टर बाई काम होगा और हमारी महिलाएं अच्छे से फील्ड में निकल कर काम करेंगी और हमारे फिर से योगी और मोदी जी फिर से आ रहे हैं। पूरे जनता के बीच में ये चर्चा है कि फिर से योगी जी आएंगे तभी देश का विकास होगा और आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे महानगर में, जिले में, पूरे प्रदेश में किस तरह से विकास हो रहा है, ये आप लोग भी अच्छी तरह देख रहे हैं, जनता भी देख रही है और जनता फिर से उनको लाना चाह रही है। देखिए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए सबसे पहले मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को और जो भी दिल्ली में हमारे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी, बी एस संतोष जी संगठन मंत्री हमारे राष्ट्रीय, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह भाई साहब, हमारे महामंत्री संगठन सुनील बंसल भाई साहब, अन्य सभी पदाधिकारी, मेरे क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह और सभी को मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उन लोगों ने मुझ पर विश्वास कायम किया क्योंकि मैंने कभी अपने लिए कभी कोई पद का अप्रोच नहीं किया और ना मैंने कभी मांगा, तो उन्होंने मुझ पर पहले से विश्वास दिखाया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। और मैं इस पद को पाने से पहले भी महिला मोर्चा द्वारा जितने भी उपचुनाव हुए हैं, जितने भी प्रदेश स्तर पर चुनाव हुए हैं या अन्य राज्यों में भी, चाहे झारखंड हुआ, चाहे बिहार हुआ और दिल्ली हुआ, हर जगह मेरी ड्यूटी लगती रही है और मेरी परफॉर्मेंस अच्छी मानी गई है। प्रयास मैं यही करूँगी, ये विश्वास जो उन लोगों ने जताया है
मैं अपनी बड़ी दीदी जैसे संजू दीदी हैं, निर्मला दीदी हैं, हमारी क्षेत्र अमिता जी हैं, सबसे सीखने का प्रयास करती हूँ और मेरा पूरा प्रयास है कि उनकी विश्वासों में खड़ी उतरूँ। जिम्मेदारियाँ मिली हैं और विधायक भी हैं क्षेत्र में, लगातार आपका दौरा रहता है, पूरा राष्ट्रीय मंत्री बनाई गई हैं महिला मोर्चा की, तो दौरा बढ़ जाएगा, तो कितना समय आप क्षेत्र में दे पाएंगे? देखिए, क्षेत्र मेरी पहले भी प्राथमिकता रही है, आगे भी प्राथमिकता रहेगी और क्षेत्र से ज़्यादा मेरी महिलाएं प्राथमिकता रही हैं। कोई भी ऐसा मंच नहीं रहता है, चाहे वो मेरी विधानसभा ही क्यों ना हो, मुझे विधानसभा में बोलने का मौका मिला, वहाँ भी मैंने महिलाओं के आरक्षण संबंधी बात उठाई थी, तो महिलाओं की प्राथमिकता हमेशा रहेगी और वही प्राथमिकता चुनाव की रहेगी कि हमें जैसे भी अगर बाहर ड्यूटी लगाई जाती है तो कैसे बैलेंस और सामंजस्य करके मैं दोनों पे अपने विश्वास को खड़े उतरूँ, ये मेरा मैनेजमेंट अच्छा रहेगा और आप लोगों का उसमें सहयोग चाहिएगा। प्रयास मेरा ये रहेगा कि विश्वास पर मैं खड़ी उतरूँ। एक आपका प्रयास रहा कि महिलाओं को उनके नाम से जाना जाए? हाँ, मेरा हमेशा प्रयास रहता है। जैसे लोग पहले जानते थे दूसरे नाम से, इनकी बहू है या इनकी पतो है, लोग कहते हैं, वहाँ पे प्रयास रहा काफ़ी दिनों से, क्षेत्र में जाती हैं तो यही कहती हैं। मैं 2014 जब मैं गोरखपुर में चौथा विधानसभा में चलना शुरू किया तो मैंने हर जगह देखा ये उनकी बहू है, उनकी मम्मी है, उनकी चाची है, उनकी काकी है, महिलाओं का हमेशा यही रहा। तो मैंने और मेरी ब्लॉक में महिलाएं भी बहुत कम जाती थी, तो मैंने एक अभियान चलाया कि महिलाओं को एटलीस्ट कभी भी अपने नाम की को अस्तित्व को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और आज मैं आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा आपको होगा कि मेरे दोनों ब्लॉक और तहसील पे आपको कभी टाइम मिले, मैं मीडिया बंधु से अपील भी करूँगी, जाके देखिए 60% महिलाएँ होती हैं, 40% पुरुष होते हैं। तो एक मैं जागरूकता अभियान महिलाओं में लेके चल रही हूँ कि अपने अस्तित्व को कभी ख़त्म ना करें, हम हर पद का सम्मान कर हर रिश्ते को निभाएं लेकिन अपने अस्तित्व को बचाते हुए। अब ये तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी जो साथ में काम करने के लिए दो बहुत मजबूत हाथ हमारे साथ हैं, अमिता गुप्ता को बनाया गया है क्षेत्रीय अध्यक्ष और हमारी विधायिका जो चौरीचौरा से हैं श्रीमती सुनीता यादव को बनाया गया है राष्ट्रीय महामंत्री, तो ये मेरे लिए गर्व की बात है। और मैं सोचती हूँ कि इस तरह से गोरखपुर से हमारी जितनी महिलाएँ आगे आके बढ़ती हैं और खास करके राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचती हैं या पूरे प्रदेश स्तर पर पहुंचती हैं, तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही मानी महिलाएं और मजबूत अपने को महसूस करती हैं और आगे आने वाले समय में हम लोगों का जब चुनाव होगा तो उसमें हमारी जितनी महिलाएं और तेज़ी से इसमें जुटेंगी और जुड़ने के बाद काम करेंगी अच्छा, क्योंकि हम लोग सब नेतृत्व देने के लिए हैं और हम लोग के ऊपर जो नेतृत्व दे रहे हैं उनका हम लोग सब तरह सम्मान करते हुए, उसको समझते हुए, फॉलो करते हुए उसी के हिसाब से हम लोग भी काम करते रहेंगे। तो यहाँ से जैसे एक ऊपर से एक नीचे तक हम लोग जुटेंगे और काम करेंगे, ये मेरा विश्वास है।